रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 93 संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा और भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होगा। और उन्होंने कहा कि देश में चीतों के लौटने से देशवासियों में खुशी का लहर दौड़ उठी है। वहीं चीतों के लिए एक टास्क फोर्स भी बनी है। देश में आए चीतों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। लखनऊ में योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जो संकल्प लिए थे, सरकार ने 6 महीने में उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, हर मुद्दे पर सरकार ने जनता के लिए समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की। इस दौरान सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने के अभियान को और तेज किया है। हमारे साथ विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु आज सरकार ने 6 महीने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको हम 2.0 का नाम भी दे रहे हैं। जी नंदी, आपको बता दें कि बुलडोजर और कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करने के बाद योगी सरकार 2.0 फिर से सरकार बनाती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापस लौटी। उसी क्रम में आपको बताएं कि जब सरकार का पहला मंत्रिमंडल का बैठक होता है मंत्रिमंडल के गठन के बाद, उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि विकास कार्यों की एक सीमित समय में अच्छे विकास करने के लिए, साथ ही साथ जो लोक संकल्प पत्र था यानी कि मैनिफेस्टो, उसमें किए गए वादों को जमीन पर उतारने को लेने को लेकर सरकार ने जो 600 दिन का एक लक्ष्य रख के काम किया, उसके ठीक बाद आज 6 महीने पूरे हुए हैं और 6 महीने का भी लक्ष्य रखी थी कि हमें इतने दिनों में जो तय समय है उसमें ये काम करना है और जो लोक संकल्प पत्र है उसमें किए गए वादों को पूरा करना है। उसी क्रम में आपको बता दें कि 180 दिनों की इस सरकार में कहीं ना कहीं तमाम नए काम हुए हैं। उसी क्रम में योगी सरकार जो मंत्रियों के जो असंतुष्टि फैली, साथ ही साथ नौकरशाही में जो खींचातानी रही उसको लेकर चुनौती मिली, मगर ऐसे कई सारे काम किए गए जो संकल्प पत्र में दावे किए गए थे, वादे किए गए थे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो योगी सरकार 2.0 माफियाओं पे कार्रवाई और बात की जाए तो जो कानून स्थापित की बात करती है उसके दावे के बाद आई। उसी क्रम में आपको बताएं कि 62 माफियाओं के 896 गुर्गों पर, 896 मेंबर्स पे कार्रवाई करते हुए 180 दिनों में लगभग सैकड़ों लोगों को जेल भेजा। साथ ही साथ आपको बताएं कि 36 माफियाओं को, लगभग 36 माफियाओं को आजीवन कारावास और उसी में कई लोगों को, दो लोगों को फांसी भी दी गई। साथ ही साथ 62 मेंबर्स के लगभग 20,000 से ऊपर करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया जो गलत तरीके से धन अर्जित किए गए थे। साथ ही आपको बताएं कि जैसे मुख्तार अंसारी को भी 36 लोगों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और वहीं आपको बताएं कि हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे केस मुख्तार अंसारी पे हैं, मगर पिछले 6 महीनों के अंतराल में ही मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं आपको बात करें तो प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर सरकार लगातार तत्पर है
और वहीं अगर बात की जाए तो ग्राउंड ब्रेकिंग 2.0 की सेरेमनी का आयोजन करके सरकार ने निवेशकों का बाजार उत्तर प्रदेश में लगाया, साथ ही साथ एक लक्ष्य रखकर काम कर रही है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन तक छुआ जाएगा। साथ ही साथ जो प्रदेश की चौमुखी विकास की बात की जा रही है उसमें लगातार अग्रसर है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक से जो देश है उसमें एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि अगर बात करें तो फिलहाल में 6 एक्सप्रेसवे पे अभी उत्तर प्रदेश में काम चल रहे हैं और कुछ शुरू हो गए हैं। और इसके दावे करते हुए सरकार लगातार दिल्ली से जोड़ रही है एक्सप्रेसवे को, चाहे बात की जाए गाजीपुर से दिल्ली की, चाहे बात की जाए इलाहाबाद से दिल्ली की, चाहे बात की जाए लखनऊ से लखनऊ एक्सप्रेस से दिल्ली को जोड़ने की, तो लगातार उस पर काम कर रही है। वहीं आपको बताएं कि 6 घंटे से लेकर और 11 घंटे तक उत्तर प्रदेश के जिलों से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। साथ ही निवेशकों के बाजार को लेकर 10 लाख का निवेश का खाका तैयार किया है। और आपको बताएं कि साल के अंत में और अगले साल के शुरुआती महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तैयार किया जा रहा है, जिसमें विदेशों में जाकर उत्तर प्रदेश के उत्पादनों को जाके वहाँ उसके विस्तृत रूप से बताकर और साथ ही साथ निवेशकों को भारत लाने की तैयारी है। वहीं आपको बताएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगभग 205 रिफॉर्म लागू किए गए हैं, जिससे 31 अक्टूबर तक लागू किए जाएंगे, जिससे निवेशकों की बाजार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सच सकेगी और उत्तर प्रदेश का विकास जो कि जो गति है उसमें रफ्तार आएगी। वहीं अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण की 6 महीनों में, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जिससे अगर महिलाएं कहीं ना कहीं जो पुरुष थाने होते हैं उसमें जाने से कतराती हैं, उसमें बेहतरी लाने को लेकर अब 1584 महिला डेस्क बनाए गए हैं थानों के अंदर में, जिससे महिलाओं की समस्याओं का निदान महिला डेस्क में मिल सके। साथ ही साथ महिला साइबर सेल की भी गठन की गई है, जो उत्तर प्रदेश के हर एक जो जिले हैं उसमें वे जो साइबर अटैक होते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर तमाम मंचले तमाम कमेंट करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है साइबर सेल बनाई है। वहीं मंचलों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज या किसी ऐसे जगहों पर अगर मंचले छेड़खानी करते हुए पकड़े जाएं तो पुलिस उन्हें सादी वर्दी में गश्त के दौरान पकड़ सके। साथ ही छुट्टियों के दौरान स्कूलों पर पुलिस प्रशासन सादी वर्दी में घूम रही है, जिससे जो मंचले हैं उस पर शिकंजा कस सके। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार की 6 महीनों में चुनौतियों की, तो मंत्रियों में असंतोष, साथ ही साथ जो तबादला नीति है उस पर भी सवाल उठे और नौकरशाही में खींचातानी एक बड़ा सरकार के लिए चुनौती रहा है। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अब 100 दिनों के जो खाका थी, वो जो 100 दिनों का लक्ष्य था वो पूरा हो गया, 6 महीना पूरा हो, जो अगला लक्ष्य है वो सरकार कितना पूरा करता है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से कितना निवेशकों की बाजार उत्तर प्रदेश में आ सकता है। जी विभांशु, अगर बात करें किसानों की तो कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, फसलों की बर्बादी हुई है, किसानों को लेकर विपक्ष ने भी हमला किया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, साथ ही साथ चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ के किसानों की बेहतरी को लेकर जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे बात की जाए किसान सम्मान निधि, चाहे बात की जाए ऐसे तमाम निधि जो उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ नाले हैं उसके जस्ट उसके तराई क्षेत्र में जो इलाके हैं, जो उसके तट हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करके और प्रदेश की जो बेहतरी है उसमें जो कृषि में बेहतरी लाने को लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि किसान सम्मान निधि से कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसानों को लगभग 2,000 रुपये 3 माह पर एक बार देकर किसानों की बेहतरी का काम कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री जल प्रबंधन को लेकर एक मीटिंग कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो आने में पिछले साल से कहीं ना कहीं इस बार बारिश ज़्यादा है, साथ ही साथ लगभग 200 से अधिक जो गांव है वो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है, तो इसको लेकर जो मौसम विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन है उसके साथ मीटिंग करके और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण करने में लगातार काम कर रही है। वहीं अगर वापस लौटे किसानों पे, तो किसानों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने हाल ही में अपने कार्यक्रम में कहा है कि हम जल्द ही किसानों को सोलर
पंप देंगे, जिससे उनके डीजल में जो खर्च आ रहे हैं उसमें घटोतरी होगी। जी मयूरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। ग्रेटर नोएडा में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर टीवी एंकर मंदिरा वेदी और हजारों लोगों ने चलता रहे मेरा दिल वॉकथॉन के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने दिल के आकार का बैलून उड़ा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मॉर्निंग वॉक से हमारा हृदय और पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इस कार्यक्रम में मंदिरा वेदी सहित कई डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे। खबर अलीगढ़ से है, जहां स्मार्ट सिटी शहर बनाने के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती दिख रही है। वहीं सीएम योगी के दौरे से पहले करीब 13 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण करवाया गया, तो वहीं भारी बारिश के चलते पूरी सड़क उखड़कर बेकार हो गई, जिस पर अभी तक अधिकारी सब अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भैया सब खराब हो चुका है पूरे तरीके से, स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरीके से सब मिलकर के मामा पूर्ति के लोग जो अधिकारी कर्मचारी है ठेकेदार है पूरे तरीके से 15 लाख लगा रखा है। अभी 13 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ, 4 सड़कें थी और उन सड़कों की स्थिति ये हो गई कि वो सड़कें आज तालाब बन गई, पूरी सड़कें पहली बारिश में उखड़ गई है। इससे मन हम लोगों का बहुत दुखी है, जनता की गाली कमाई है। रायबरेली के सलोनी क्षेत्र में हुए पुलिस मुठभेड़ की कार्रवाई पर जिले की पुलिस खिड़ती नजर आ रही। बता दें कि दीवानी कोर्ट में पेशी पर आया रईस चिकवा को पेशी के बाद करीब 3 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर मुठभेड़ में उसे घायल कर दिया। साथ ही पूरी घटना को प्रेस बचाने पर पुलिस घिरती नजर आ रही। वहीं आरोपी की पत्नी AIM के जिलाध्यक्ष ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से मुलाकात कर फर्जी मुठभेड़ करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कब हुआ था? कब बहस हुई थी? बहस मतलब मंगलवार को, मंगलवार आज से मतलब मंगल को अगले हफ्ते पार्टी का आज यहाँ पे पुलिस कप्तान ऑफिस में कल एक फर्जी मुठभेड़ को लेकर जो एक निर्दोष व्यक्ति को कहाँ का मामला है? ये सलोन थाने का मामला है और सलोन में एक रईस पुत्र अब्दुल खालिद को से जो है हफ्ता 10 दिन पहले वहीं के कुछ लोगों से आपसी कहासुनी हो जाती है। उस आपसी कहासुनी में एक फर्जी मुकदमा पुलिस द्वारा लिखा जाता है। अमेठी जनपद के सभी गांव और बूथ स्तर पर एकत्रित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 106वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भाजपा के नेता अमरिंदर सिंह पिंटू ने दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही भाजपा नेता ने वहां उपस्थित लोगों को रेडियो का वितरण किया और PM के मन की बात सुनने की अपील की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 106वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ये विचार के आदमी थे, इनकी ही वजह से, इनके ही विचारों से ही आज समाज यहाँ पहुँचा है, यही सब कार्यक्रम आज चलाए जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस जन्मोत्सव पर? इस जन्मोत्सव पर यही संदेश देना चाहते हैं कि इनके ही विचारों पर हम लोग आगे बढ़ें, समाज की सेवा की जाए। हरदोई में ठगी के पीड़ितों ने जिला अधिकारी के समझ कंपनियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित जमाकर्ताओं ने बताया कि सहारा इंडिया, परिवार, पल्स जैसी कई ठग कंपनियों के जनपद के सैकड़ों लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया है। साथ ही इन पर ठगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि संयोजक मदन लाल ने कहा कि अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।
कलेक्ट्रेट हरदोई है, कलेक्टर साहब को जिलाधिकारी महोदय को हमें ज्ञापन देना है। हमारी मांग है कि जो अनियमित जमा योजना है पाबंदी कानून 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं शॉर्ट में वो, और जो उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओं का हित संरक्षण अधिनियम 2016 है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित हो। खबर फरीदाबाद के गतपुरी इलाके से है, जहां ग्रीनलैंड 44 फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते समय दीवार मजदूरों पर ही गिर गई। आनन फानन में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। क्या हुआ था? कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे उसमें? सात आठ आदमी दब गए थे। सभी को चोट आई है? कहाँ, कौन सी जगह काम चल रहा था? गार्डन में काम कर रहे थे। सर दीवार निकाल रहे थे, तोड़ रहे थे। हाँ जी। अच्छा, तो दूसरी दीवार गिर गई। दूसरी? हाँ। कितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोग दबे हैं? सर चार लोग। पांच लोग? आप भी? हाँ, तो हाँ जी। पांच लोग घायल हुए? हाँ। क्या हुआ, कहाँ काम हो रहा था? ग्रीनलैंड 44 में काम कर रहे थे तो दीवार गिर गई। क्या है वो ग्रीनलैंड, कंपनी है, घर है? गार्डन है। गार्डन है। तो कितने मजदूर लगा रखे थे आपने? 15-25 मजदूर लगे थे। अच्छा, आज सुबह से काम हो रहा था? हाँ। तो फिर अचानक? अचानक वो दीवार गिर गई। जिसे तोड़ रहे थे वो ना? दूसरी वाली की साइड, पड़ोसी की। अलीगढ़ और उसके आसपास के जनपदों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। साथ ही नगर निगम में शहर में पानी की निकासी की समस्या को लेकर सतर्क, जिससे शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़े। वहीं किसानों का पानी के चलते बुरा हाल है। किसानों की कई बीघा जमीन बाढ़ के चलते खराब हो गई। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया हुआ था उन्हें सरकार से उचित मदद दी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। राकेश कहाँ रहते हो? सरमस्तपुर। ये जो आप किसान हैं? हाँ किसान हैं सर। कितना नुकसान है, जो 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फसल भी पूरी बैठ गई है, ये धान का भी टाइम है और बाजरा भी है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास तो सब बाजरा 100% मानो, हमारे मतलब लौट के ना आना, हमें बाजरा मिलना ना आया। क्या हो गया बारिश से? सब गिर गए और टूट गए, पानी खड़ा हो गया। ज़्यादा पानी पड़ा है? हाँ ज़्यादा पानी पड़ा है। कब से नहीं पड़ा हुआ ऐसा पानी? कम से कम 20 साल पहले पड़ा होगा ऐसा। 20 साल पहले? बहुत ज़्यादा नुकसान है? बहुत ज़्यादा, पूरा नुकसान ही हुआ है हमारा खेत, वापस मतलब कोई फसल लौट के ना आ रही है हमारी बाजरा की। तो जी 100% में 95% तो जिस दिख ही रहा है, 5% कोई पेड़ दिख रहा है बस। तो कौन कौन सी फसल थी बाबा? बाजरा ऐसा हमारे पास तो। और धान वगैरह में भी नुकसान? धान में सब में नुकसान है, धान भी दिखाएंगे हम, धानू बेकार रह गए, पूरे पानी भरे खड़े हैं धानों के, यानी बालनाएं दिख रही उनकी। धान कटने का टाइम था? कटने पक गए वो, कब क्या 8 दिन पहले कटने। अब धान नहीं निकल पाएंगे? नहीं। और ये बाजरा भी बेकार हो गया? बाजरा बेकार हो गया। क्या कोई मांग करते हैं सरकार से, कुछ कहना चाहेंगे? मांग तो कहा मांग, अब सरकार कहा सर्वे करा ले, लेखपाल वगैरह है। हाँ हाँ। बलिया में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में स्वास्थ्य विभाग की टीम में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं जांच में 5 बंदियों के HIV पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। साथ ही CMO बलिया ने बताया कि हमारी एक टीम ने बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें 5 HIV पॉजिटिव मिलने पर उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की मांग पे कि हमारे जेल में जितने भी कैदी हैं उनका भी जाँच कराया जाए, इस पर हम लोगों ने टीम भेज करके जांच करवाया है, जिसमें कि 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो इनका नियमानुसार में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सुल्तानपुर में रामलीला उत्सव में गणेश जन्म का मंचन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष एवं जिलाधिकारियों ने रामलीला मंच का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री रामलीला ट्रस्ट समिति के कलाकारों ने भगवान शिव के वेशभूषा में उनकी माला पहनाकर उनकी आरती उतारी। साथ ही इस रामलीला मंचन पूरी रात तक चलता रहा, जहाँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए बाबा सागर दास आदर्श रामलीला मंडली के कलाकारों ने जन समुदाय का खूब मनोरंजन किया।
अलीगढ़ के पीलखाना में 1992 एक्ट का उल्लंघन कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, फिर उसे बेचने का भी आरोप लगा। वहीं पूरे मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेकर आरोपी मोहम्मद असलम और उनके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को एसडीएम को निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने बताया कि आरोपियों ने बिना अनुमति के मस्जिद के निर्माण कार्य कराया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। तहसील कोल के ग्राम पीलखाना का प्रकरण है, अभी उसमें यह संज्ञान में आया कि कोई मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने खेत में मस्जिद बना रखी थी और जांच के दौरान पता चला कि वहां पर बनी हुई थी। स्टाम्प का प्रकरण था, उसको अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चीज़ों को जो है संज्ञानित कराया गया है। औरैया का ग्राम पंचायत खानपुर इस समय दुर्दशा का शिकार है। यहाँ के लोगों ने प्रधान व सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि चार दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से मोहल्ले में जलभराव की समस्या आ गई है। वहीं ग्राम प्रधान व एवं सचिव को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने सिर्फ पानी निकलवा दिया, जबकि मोहल्ले में अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। ऐसा हमारी जो है यहाँ जो है ये पुराना तालाब है और तालाब पे कभी कूड़ा नहीं पड़ा, तो अब जो है पूरे गांव को कूड़ा जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जो है ऐसा कूड़ा है कि छः छः महीना तक कोई भी इसको उठवाता नहीं है। प्रधान जी से कहते हैं कि आप उसकी बात है कहीं बाहर ना पहुँचे, आप जो ऐसा करते रहो तो बहुत बढ़िया है, दुनिया भर में सफाई और सब कुछ देखा देंगे और यहाँ पे ऐसी है लेकिन कोई सुनाई नहीं है। समस्या यह है ये पानी वगैरह यहाँ गिरा है तो कई मकान गिरा है। दूसरी बात, यहाँ जो तलैया बनी हुई है इसमें कोई वो नहीं है, मतलब गड्ढे अभी भी हैं, पानी भर जाता गड्ढे हो जाते हैं सारे। तो यहाँ से रोड जो बना हुआ है ये नीचा रोड है, वो तलैया ऊँची है और इधर पानी गिर रहा है, कई दिन से पानी गिर रहा है, तो इसलिए परेशानी बहुत है आम जनता को। गाँव के लोग भी निकलते हैं, बाहर के भी आते हैं, परेशान बहुत हो रहे हैं। कम से कम दो दो ढाई ढाई फुट पानी भर जाता है। नमाज वाज पढ़ाने जाते देख रहे कैसी रास्ता है, ऐसे जाते इधर बंदर दौड़ पड़ते, इधर जाते तो मस्जिद पहुंच नहीं पाते, टाइम खत्म हो जाता है, यही दिक्कत है। प्रधान जी से कह रहे तो पानी नहीं निकलवाया, अरे ये रास्ता नहीं सफाई करवा रहे। यहाँ तलिया को लेकर भी बात की जा रही है, यहाँ गंदगी पहले से कूड़ा बहुत गंदगी है, कूड़ा डलता है, कुछ वहाँ सुनाई नहीं होती उसकी। तो प्रधान जी साहब सफाई नहीं कराते? अरे प्रधान जी साहब आए तो करवाते, अकेले मानने वाले तो माने, वो मानते ही नहीं है। यहाँ पे सड़क पे हम लोग निकल नहीं पाते, वृद्ध आदमी है और निकलने की कीचड़ की वजह से प्रधान ने घूरा नहीं उठवाया, इसलिए जो है वो परेशानी आ गई है। ये कि प्रधान से कहो तो वो कहते कि भंगी को बुला लो, पैसा तुम दे दो भंगी को बुला जाए, क्यों जाए? वो कहते हैं कि हमने अबे नहीं आ रहे, फंक्शन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, एक ने एक बहाना कर देते। समस्या जो है कि ये पूरे गांव का घूरा चलता है हर, हाँ, और ये बहुत बड़ी बदबू उड़ रही है और बच्चे ये निकलते हैं स्कूल पास में का, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। असल में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 5-6 दिन इसके चलते 20 गाँव में पानी भर गया था बहुत ज़्यादा। वहाँ रास्ता है नीचा, तालाब है ऊँचा, तो रास्ते में आने में पानी भर गया था। फिर उसके पानी बंद होने के बाद मैंने पंपम सेट लगवा के पानी निकलवा दिया है। गंदगी अभी भी उल पड़ी है, तो 2-3 दिन हवा चले धूप निकले गंदगी भी हटवा देंगे, ये समस्या है यहाँ पे। प्रयागराज में एक पखवाड़े तक चले प्रतिपक्ष का आज रविवार को समापन हो गया। इसकी शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी। ऐसे में हजारों लोग प्रयागराज को त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचे और पितरों के प्रतिविसर्जन किया। संगम तट पर प्रतिपक्ष के आखिरी दिन हजारों लोगों ने श्राद्ध और तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संगम तट पर स्नान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। पिंडदान करते हैं पुरखों का, आज पुरखों को यहाँ पिंडदान करने में मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए प्रयागराज त्रिवेणी में आए हैं। यहाँ का
पिंड देने से पुत्रों को स्वर्ग मिलता है और जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। मैं अरुण कुमार द्विवेदी। अमावस्या तिथि है, पितृ विसर्जन का आखिरी दिवस है पितृपक्ष का, तो आज के दिन पूरे उसमें भारत में जितने भी समस्त पिंडदान करने वाले लोग रहेंगे उनका आखिरी कर्म आज है। आज पितृ विसर्जन का आखिरी दिन है और कल से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। प्रयागराज धर्म और आस्था की नगरी है, यहाँ हमेशा से देवताओं और ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। मान्यता है कि यहाँ पर जप और तप से किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में यहाँ आकर मुंडन कराने के बाद पिंडदान करने से पितरों को इस मृत्यु लोक से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्म में शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया है, वहीं पितरों की मुक्ति के प्रमुख स्थानों में प्रयागराज को भी प्रमुख द्वार माना जाता है। यहाँ श्राद्ध देना बहुत ही आवश्यक है। और भगवान राम जब लंका विजय करके प्रयाग आए तो उनको एक तो ब्रह्म हत्या लगा और दूसरा दशरथ जी भी, महाराज दशरथ समाप्त हो चुके थे, तो उसके लिए यहाँ कोई पुरोहित नहीं था जो उनका ये कर्म करा सके। तब हमारे पूर्वजों को बुलाया गया अयोध्या से, हम लोग अयोध्यावासी ही हैं। फिर यहाँ पे उनका ब्रह्म हत्या से उनका मुक्ति कराया गया, उनका श्राद्ध शांति कराया गया, तब से हम लोग यहीं विराजमान हैं। हमारा जो निशान है सोने का नारियल, ये भगवान श्री राम ने दी। विश्व भर में धार्मिक नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी के संगम तट पर पितरों का श्राद्ध करने के लिए देश प्रदेश भर से लोग आते हैं। वहीं बात करें अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का, भी संगम नगरी प्रयागराज से खास रिश्ता है। स्थानीय तीर्थ पुरोहित के मुताबिक संगम में ही भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराजा दशरथ का श्राद्ध किया था। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। मान्यता के मुताबिक पुत्र का पुत्रत्व तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरणपंतात उनकी मृत्यु तिथि बरसी या पितृपक्ष में उसका विधिवत श्राद्ध करे। वही मान्यता ये भी है कि पिंडदान मोक्ष की प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।